कश्मीर की सुलगती आग, एक ऐसी पुस्तक जिसके माध्यम से मैं कश्मीर का पूरा प्रारूप आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। किस सरहद पर क्या हाल है, ऐसा क्यों हो रहा है, कौन इसका जिम्मेदार है? हम सब देश में रहते हैं, पूरे संसाधन हम देश के उपयोग करते हैं, लेकिन फिर भी हम देश के साथ गद्दारी क्यों करते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इन सभी विचारधाराओं से परिपूर्ण रचनाओं को मैंने इस पुस्तक में समाहित किया है। इस पुस्तक की सबसे पहली रचना है कश्मीर की सुलगती आग, ये शीर्षक है। इसी कड़ी में सरहद का हाल, ये एक ऐसी रचना है जिसके माध्यम से मैंने सरहद पर किस प्रकार से रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज उन सरहदों पर लाशों के ढेर लग रहे हैं, इस विचार से परिपूर्ण यह रचना इसमें मैंने आपके लिए रखा है। आप इसको पढ़ेंगे, आपको पूरा प्रारूप वहां का समझ में आएगा। कश्मीर की सुलगती आग, एक ऐसी रचना जिसके माध्यम से मैं कश्मीर का पूरा प्रारूप आपके समक्ष रखना चाहता हूं। जब से देश विभाजित हुआ, पाकिस्तान का जन्म हुआ, हर रोज कश्मीर में समस्याएं पैदा होने लगीं, लाशों के ढेर लगने लगे और आज कश्मीर का ये हाल आपके सामने है। इन सभी विचारधाराओं से ओतप्रोत रचनाओं को मैंने इस पुस्तक में समाहित किया है, जिसकी पहली रचना कश्मीर की सुलगती आग। और इसी कड़ी में मैं इस बात को भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने सुलगना शब्द इसलिए प्रयोग किया है क्योंकि जलती हुई आग से सुलगती हुई आग ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि सुलगती हुई चीज हमें यह नहीं पता चलता वो अचानक कब भड़क कर फैल जाए, इसलिए उसको कंट्रोल करना कठिन होता है। इसके बजाय कि जल रही हो जो आग, जलती हुई आग हमें दिखाई पड़ती है, हम उस पर एक्शन ले सकते हैं, लेकिन सुलगती हुई आग का क्या, न जाने कब वो विकराल रूप धारण कर ले। ऐसी परिस्थितियां कश्मीर में रोज दिखाई पड़ती हैं, ऐसा प्रारूप मैं आपके समक्ष रखता हूं। ऐसी विचारधारा से परिपूर्ण यह रचना कश्मीर की सुलगती आग, जिसके माध्यम से मैंने देश के उन गद्दारों को यह संदेश भेजा है कि हम जब रहते देश में हैं, खाते देश का हैं, तो हम गद्दारी देश के साथ क्यों करते हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो इस विचारधारा से परिपूर्ण है यह रचना। इसकी अगली रचना जो मैं आपके लिए ला रहा हूं वो है सरहद का हाल। ये एक ऐसी रचना है जिसके माध्यम से मैंने उस चीज को चित्रित करने का प्रयास किया है कि किस प्रकार रोज सरहदों पे कश्मीर में हत्याएं हो रही हैं, लाशों के ढेर लग रहे हैं, इस चीज को आप इस रचना में पाएंगे। धधकती आग, ये एक ऐसी रचना है जिसके माध्यम से मैंने ये प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि हम चाहते तो हैं कि गुनाह कम हो जाए, अन्याय समाप्त हो जाए, लेकिन कौन करेगा ऐसा? हम ऐसी सोच रखते हैं, हमारी आंखों के सामने अन्याय होते रहते हैं, हम चुप बैठे रहते हैं, आखिर कब तक ऐसा होगा? इसके लिए हमें ही आगे आना होगा, हमें ही इसका प्रयास करना होगा, तभी इस समस्या का हल हो सकता है। अगली रचना, कश्मीर तो भारत का मसला है। हाँ, कश्मीर भारत का आंतरिक मसला है। इस रचना में मैंने यह प्रस्तुत किया है कि हमारे यहाँ देश का मसला है, तो इसमें बाहरी किसी व्यक्ति को इसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं, और यदि कोई व्यक्ति इसमें हस्तक्षेप करता है वो हमें स्वीकार्य नहीं होगा। इसके अलावा कश्मीर का राग, एक ऐसी रचना है जिसमें मैंने यह प्रस्तुत किया है कि जिस दिन से पाकिस्तान का जन्म हुआ, भारत विभाजित हुआ, अगले दिन से ही पाकिस्तान ने इस अन्याय के रास्ते को चुन लिया, हर क्षण उसको एक ही राग सुनाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है, वो है कश्मीर का राग, जिसके माध्यम से वह हमेशा कश्मीर की स्थिति को बिगाड़ने का प्रयास करता था और करता है आज भी, और कश्मीर की ऐसी हालत। यह ऐसा शीर्षक है जिसमें रचनाओं के माध्यम से मैंने ये प्रश्न किया है उन लोगों को, जिन लोगों ने कश्मीर का यह हाल किया है, जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसका क्या कारण है, इसके पीछे क्या उनका यह हाल कैसे वो देख पाते हैं, जबकि वो भी देश के हिस्से हैं, वो भी देश के नागरिक हैं, लेकिन वो ऐसी गतिविधियों में क्यों मिले हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो मैंने इस रचना के माध्यम से प्रस्तुत किया है। और रोता हूं कश्मीर की बिगड़ती हालत देखकर। कोई भी व्यक्ति, देश का हर वो नागरिक जो कश्मीर की हालत को देख रहा है, उसके आंखों में निश्चित रूप से आंसू आते होंगे, तकलीफ होती होगी, अंदर से घुटन होती होगी, लेकिन वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी हालत को देखकर खुशियां मनाते हैं, खुशी के दीपक जलाते हैं। ऐसा क्यों है? क्या ये देश के खिलाफ हम कदम नहीं उठा रहे हैं? क्या ये देशद्रोही का काम हम नहीं कर रहे हैं? इन सभी चीजों से संबंधित रचना आपको विचार प्रस्तुत करेगी। बहुत कुछ देख के इस रचना में ये प्रस्तुत किया है कि मैंने कि मैं उस हालत को देखकर रो रहा हूं, लेकिन तुम क्यों हंस रहे हो? तुम्हारे
चेहरे पर वो खुशियां क्यों दिख रही हैं? ढोल नगाड़े तुम बजा रहे हो, आखिर इसके पीछे क्या कारण है? निश्चित रूप से देश के प्रति गद्दारी करने की सोच तुम्हारी ये सब करने को विवश कर रही है। आज तुम भी सो जाओ। ये एक व्यंग्यात्मक रूप की रचना है। मैं इसके माध्यम से उन लोगों को संदेश भेजना चाह रहा हूँ जो जिनके हाथ में देश की बागडोर है, जिनके हाथ में देश को संभालने का दायित्व तो है, देश को चलाने का दायित्व तो है, लेकिन वो नींद की हालत में हैं, वो सो रहे हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता, चाहे वो वास्तविक नींद में हो या भौतिकता की चकाचौंध की नींद में हो, लेकिन वो नींद में तो हैं। और निश्चित रूप से ये मेरे वक्तव्य सत्य से परिपूर्ण हैं और इसके माध्यम से मैंने उनके ऊपर कटाक्ष किया है, व्यंग किया है, जो कि आप इस पुस्तक में इस रचना के माध्यम से पाएंगे। और इसके अलावा एक ऐसी रचना जो अंतर्राष्ट्रीय व्यंग को प्रस्तुत करती है, वक्त का मिजाज। ये उन राष्ट्रों के लिए मैंने लिखा जो राष्ट्र आतंकवाद के हमेशा पक्षधर रहते हैं, लेकिन अक्सर ऐसी घटनाएं उनके समक्ष भी होती हैं, उनके यहाँ भी होती हैं। जब हमारे यहाँ आतंकवादी अटैक करते हैं तो उनको बहुत खुशियां होती हैं, लेकिन जब उनके यहाँ होती हैं तब उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। तो उनके लिए मैंने ये रचना लिखा है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने हमारे लिए गलत सोचा था, आज तुम भी उसके भुक्तभोगी हो। अब जब भुक्तभोगी हो रहे हो तब तुम्हें इसका आभास हो रहा है कि हमने ऐसा क्यों किया। ये कैसी स्वतंत्रता अभिव्यक्त की। इस रचना को मैंने उस समय लिखा था जब JNU एक ऐसी यूनिवर्सिटी, एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसने हमेशा विद्वानों को जन्म दिया, विचारकों को जन्म दिया, दार्शनिकों को जन्म दिया, लेकिन आज उसी विश्वविद्यालय में देशद्रोही नारे देखने को मिलते हैं। आखिर ये क्या है, ये कौन सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या महत्व जो मर्यादा को पार कर जाए? निश्चित रूप से जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मर्यादाओं को पार कर जाती है वह अपराध के रूप में प्रस्तुत होती है, और निश्चित रूप से उस अपराध के ऊपर न्याय का हथौड़ा चलना बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम इन खूनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर रोक नहीं लगा पाएंगे, और इस स्थिति को रोकने के लिए हमें तुरंत एक्शन चाहिए। जितना ही हम विलंब करेंगे ये समस्या उतनी ही जटिल होती चली जाएगी। ऐसी सोच से परिपूर्ण यह रचना आप कश्मीर की सुलगती आग नाम की पुस्तक में पढ़ेंगे, खूनी स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की। हाँ, उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या महत्व जो खूनी हो जाए, जिसका सिद्धांत हत्याओं पर आधारित हो। ऐसी खूनी स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की उसको तुरंत नष्ट कर देना चाहिए। ऐसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को तुरंत नष्ट भ्रष्ट करके समाप्त कर देना चाहिए, और यदि हम नहीं करते हैं तो हम एक नई समस्या को जन्म दे रहे हैं। इस प्रकार की रचनाएं आप इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी रचनाएं हैं, उसके जीवन का कुछ भी उद्देश्य नहीं। हाँ, ये रचना दो लोगों के लिए दो तरफ अपनी दृष्टि रख रही है। एक वो लोग जो दूसरों के लिए अच्छा नहीं बल्कि नकारात्मक सोच रखते हैं, अपने आप तो अपना पतन करते ही हैं, दूसरे का भी करने के जिम्मेदार बन जाते हैं। एक तो उन लोगों के लिए व्यंग कर रही है रचना। दूसरी, पाकिस्तान का जब से जन्म हुआ उसने हमेशा भारत के साथ कुछ ना कुछ खुरपेच करने की आदत डाल लिया, जो आज भी उसकी आदत है। ये भी मालूम है उसे कि उसने अपने देश को विकसित करने का प्रयास नहीं किया, वह तो निश्चित रूप से अपने पतन की ओर अग्रसर होता ही जा रहा है। उसने विज्ञान के लिए कोई काम करने का प्रयास नहीं किया, कोई सकारात्मक काम करने का प्रयास नहीं किया, इस प्रकार वो पतन के अंधकार की ओर बढ़ता चला ही जा रहा है। हमेशा चला गया था और चलता जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वह भारत को भी धकेल रहा है कि वह शांति के मार्ग को छोड़कर जिस मार्ग पर वो चल रहा है उसी मार्ग पर भारत भी चले, ऐसा असंभव है। भारत की विचारधारा तो शांति से परिपूर्ण है, और यह बात भी निश्चित रूप से पूरे विश्व को समझ लेना चाहिए कि भारत यदि शांति की पूजा करता है, शांति का पुजारी है भारत, उस शांति को विश्व का कोई भी व्यक्ति कमजोरी ना समझ बैठे, अन्यथा उसका परिणाम आप स्वयं कल्पित कर सकते हैं। भारत तो इस सोच के आधार पर आगे बढ़ा और बढ़ेगा कि हम शांति से रहते हैं और विश्व में शांति की स्थापना करने की सोच रखते हैं। ऐसी रचना उसके जीवन का कुछ भी उद्देश्य नहीं, ये व्यंग्यात्मक रचना है। इतना रहम क्यों,
एक ऐसी रचना है जिसके माध्यम से मैंने उन लोगों पर कटाक्ष किया है जो लोग अपराधियों पर रहम रखते हैं, जो लोग आतंकवादियों पर रहम रखते हैं। देश के बेगुनाह लोग जब मारे जाते हैं, जब उनकी हत्याएं होती हैं, तब उनके आंख से आंसू नहीं निकल सकता, उनके सांस में आह की आवाज नहीं आ सकती, लेकिन वहीं जब आतंकवादी को फांसी दी जाती है तब हमें बड़ी तकलीफ होने लगती है, तब हम दुख मनाते हैं। क्यों? क्या ये देश के प्रति गद्दारी नहीं है? निश्चित रूप से है। उन लोगों को समझना होगा कि वो गलत रास्ते पर हैं, उन्हें वापस आना होगा। यदि देश में रहना है तो उन्हें देश की शांति की विचारधारा को अपनाना होगा, यही हमारा कर्तव्य है। इसके अलावा कभी पाकिस्तान, कभी भारत, कभी पाश्चात्य देश को क्यों चुनते हो? एक ऐसी रचना जिसमें मैंने आतंकवादियों तक ये संदेश भेजा है, क्यों ऐसा करते हो? कभी भारत आते हो, यहाँ आकर बेगुनाहों की हत्याएं करते हो, तो कभी पाकिस्तान आ जाकर, तो कभी विदेशों में जाकर, कभी पाश्चात्य देशों में जाकर ऐसे खूनी होली खेलते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो? मेरा तुमसे यही संदेश है, आ जाओ, शांत के मार्ग को चुन लो। बहुत हो गया, बहुत बेगुनाहों की हत्याएं हो गईं, बहुत खून खराबा हो गया, आओ हम सब अब शांति के मार्ग पर अग्रसर हो जाएं। ऐसी विचारधारा, ऐसे संदेश को लेकर मैंने इस रचना को लिखा है, जो आप कश्मीर की सुलगती आग नाम की जिस पुस्तक के बारे में बता रहा हूं, इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस पुस्तक को जरूर पढ़ें, जरूर समझें, इसका जरूर अनुसरण करें, शायद इस पुस्तक की एक रचना आपके जीवन को बदलने के लिए सक्षम हो। यदि ऐसा होता है, इस पुस्तक के माध्यम से यदि आपकी विचारधारा में कुछ भी सुधार हो पाता है, तो ये मेरा सौभाग्य होगा। अगली रचना इसकी, तुमने अपना ही दुख बड़ा माना। ये उन राष्ट्रों के लिए मैंने रचना लिखा है, जो लोग, जो राष्ट्र जब उनको तकलीफ होती है, जब उनके यहाँ घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, हत्याएं होती हैं, तो उनके बड़ी कसमसाहट होती है, उन्हें बड़ी तकलीफ होती है, आंखों से आंसू नहीं रुकते। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक होता है, तब हमारे आंखों से आंसू की धार बह पड़ती है, लेकिन वहीं जब भारत में मुंबई में आतंकी हमला होता है, तब हमारे आंखों से आंसू नहीं निकलते, तब हम चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, मूक हो जाते हैं, तब हमारे आंखों से कोई भी भाव नहीं दिखते, चेहरे पर कोई भी भाव नहीं दिखते, जुबान से एक शब्द नहीं निकलता। ऐसा क्यों है? ये बात तो यही सिद्ध करता है कि अपनी तकलीफ हमें बहुत बड़ी लगती है, लेकिन दूसरे की तकलीफ हमें सामान्य लगती है। इस सोच पर आधारित ये रचना मैंने आपके लिए लिखा है। अगली रचना, कश्मीर में पत्थरबाजी। ये कैसी रचना है जिसने कश्मीर की पूरी स्थिति को सामने रखा है, और ये रचना मैंने तब लिखा था जब कश्मीर में पहली बार पत्थरबाजी हुई थी। आज जो स्थिति आप कश्मीर की देख रहे हैं, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। जब पहली बार कश्मीर में पत्थरबाजी हुई थी, तब हमें यही स्टेप ले लेना चाहिए था, यही कार्रवाई कर लेना चाहिए था, लेकिन हमने देरी किया, जिसके कारण ऐसी परिस्थिति आई जो आज आपके सामने देखने को मिल रही है। क्या पत्थरबाजी देश के विरुद्ध नहीं है? क्या ये देश द्रोह को मदद नहीं कर रही है? इस प्रकार की सोच के साथ मैंने इस रचना में अपने विचारों को रखा है, जिसके माध्यम से आप इस पूरी स्थिति को समझ सकेंगे। नापाक इरादे, ये एक ऐसी रचना है जिसके माध्यम से मैंने ये प्रस्तुत किया है कि हमेशा पाकिस्तान भारत के प्रति ऐसे इरादे रखता है, ऐसी सोच रखता है, हमेशा शांति को भंग करने का प्रयास करता है। इस प्रकार की विचारधारा के कारण अपने आप तो परेशान होता ही, भारत को भी नई नई समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। इस प्रकार पाकिस्तान अपने आप तो परेशान होता ही है, और भारत के लिए एक नई नई समस्याएं हर रोज पैदा करता है। तो इस प्रकार की सोच के साथ मैंने इस रचना को लिखा है आपके लिए। और इससे अगली रचना है जिसका शीर्षक है कश्मीर में प्रकृति की क्रोधित गरज। ये रचना मैंने तब लिखा था जब आपको याद होगा कश्मीर में पत्थरबाजी बराबर हो रही थी, और अचानक उसके बाद में बहुत तगड़ी बारिश हुई, जब पूरा कश्मीर जलमग्न हो गया था और भूस्खलन हुआ था। तो उस दृश्य को मैंने अपनी इस रचना के माध्यम से चित्रण करने का प्रयास किया है कि आखिर क्यों है ऐसा। प्रकृति के साथ यदि हम खिलवाड़ करते हैं, प्रकृति के साथ हम द्वेष रखते हैं, उसका शोषण करते हैं, तो निश्चित रूप से उसके नकारात्मक रूप हमारे सामने आएंगे। आखिर कब तक हम उस प्रकृति का शोषण करते रहेंगे, उसमें प्रदूषण करते रहेंगे और हम सुखी रहेंगे? निश्चित रूप से यदि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो उसका खामियाजा हमें खुद भुगतना ही पड़ेगा, और उसका जीता जागता नमूना आपने देखा होगा। अपने टीवी सेट्स पर आपने उसके दृश्य देखा होगा कि किस प्रकार से पूरा कश्मीर जलमग्न हो गया था। उस समय मैंने इस रचना को लिखा था कि, और इसको मैंने ये दर्शाने का प्रयास किया है कि संभलने का प्रयास करो,
सुधरने का प्रयास करो कश्मीर वासियों, अपने आप को संभालो, सकारात्मक रूप में वापस आ जाओ, इससे पहले कि प्रकृति हमें इसका कोई बहुत बड़ा दुष्परिणाम हमारे सामने लाकर रखे, उससे पहले हमें शांति का रास्ता अपनाना होगा, शांति के पक्षधर होना होगा। तो इस विचारधारा से संबंधित यह रचना है जो कि आप इस पुस्तक में पढ़ेंगे, गुमराह मत करो वे भारतीय हैं। ये एक ऐसी रचना है जिसके माध्यम से मैंने यह प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि हम सब देशवासी हैं, सब देश के नागरिक हैं, उसमें से ही कुछ ऐसे लोग जो देश के प्रति गद्दारी की विचारधारा रखते हैं, गद्दारी करने का प्रयास करते हैं, वो अपने आप तो गलत रास्ते पर चलते हैं, अपने साथ साथ देश के कर्णधार है जो उन नागरिकों को भी वो बहकाते हैं, अपने रास्ते पर लाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि उनके गंदे मंसूबे, गंदी सोच दूर दूर तक फैल सके। इस प्रकार वो अपने आप तो गद्दार हैं ही, देश के प्रति जो वफादार लोग हैं उनको भी दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। तो मैं उनसे यह संदेश देता हूं, उनसे यह संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि जिन लोगों को तुम देश के नागरिकों को दिग्भ्रमित करना चाहते हो, जिनको आतंक के आग में झोंक देना चाहते हो, जिनको दिग्भ्रमित करके गलत रास्ते पर मोड़ देना चाहते हो, निश्चित रूप से वह देश के कृतज्ञ नागरिक हैं, कृतज्ञता निश्चित रूप से वो दिखाते हैं, दिखाएंगे। तुम्हारे ये सभी मंसूबे सफल नहीं हो सकते, तुम्हारे ये प्रयास सफल नहीं हो पाएंगे, तुम कितना भी प्रयास कर लो, लेकिन उनके अंदर तो देशभक्ति, देश प्रेम की अग्नि की ज्वाला प्रज्वलित थी, है और रहेगी। ऐसी सोच के साथ ये रचना मैं आपके लिए मैंने प्रस्तुत किया है। अगली रचना है, वह उलझा है कांटों में हमको भी उलझाता है। ये पुनः मैं उन राष्ट्रों की तरफ दिशा निर्देशित करता हूँ, हाथ उठाकर इशारा करता हूँ कि वो लोग, वो देश जो अपने आप तो ऐसी गंदी सोच के साथ उसमें लिप्त रहते ही हैं, और जो राष्ट्र शांति के साथ रहना चाहते हैं, जैसे उसमें भारत आदि को उसमें झोंकना चाहते हैं, उस आग में झोंककर उनको पतित कर देना चाहते हैं, ऐसी विचारधारा को मैंने इसमें समाहित किया है। मध्यस्थों हाथ हटा लो, ये एक ऐसी रचना है जिसमें मैंने उन लोगों को यह संदेश दिया है कि जो लोग भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वही उस शांति को भंग करने के जिम्मेदार हैं। सामने से वो दिखाते हैं कि वो सहानुभूत रखते हैं, लेकिन इधर से भारत को उकसाते हैं, उधर से पाकिस्तान को उकसाते हैं, और हम दोनों लोगों को आपस में, दोनों राष्ट्रों को आपस में लड़ाने का प्रयास करते हैं। वो इसमें अपने स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, इसलिए मैं उन सब लोगों से यह संदेश देना चाहता हूं कि आप ऐसे संदेश, ऐसे विचार अब अपने पास ही रखें, भारत या पाकिस्तान के सामने आकर परोसने की आवश्यकता नहीं है, हमें आपकी ये मध्यस्थता किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है। इस विचारधारा को मैंने इस रचना में प्रस्तुत किया है। कोई सरहद में घुसता है, घुसने दो, ये एक व्यंग्यात्मक रचना है, जो रचना ये दर्शाती है कि कुछ ऐसे लोग, जिम्मेदार लोग, जिनके हाथ में जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन वो आंख मूंद कर बैठे हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं है, कोई पश्चिम से सरहद में घुसे या पूरब से या उत्तर या किसी अन्य दिशा से, उन्हें कोई चिंता और परवाह नहीं। उन्हें क्या, उन्हें तो अपने स्वार्थ सिद्ध करने से ही छुट्टी नहीं है, स्वार्थ परतता ही उनका मूलभूत उद्देश्य और सिद्धांत है। ऐसे लोगों के प्रति मैंने अपनी विचारधारा इस रचना में प्रस्तुत किया है। ये वही हाथ जिन पर करते हो पत्थरबाजी, ये रचना उस समय मैंने लिखा था जब आपको याद होगा कि प्राकृतिक आपदाएं आई थी, जब पूरा कश्मीर जलमग्न हो गया था, तब उन्हीं देश के सेना के जवानों ने उनको बचाया था, उनकी चीखती आवाजों को सुनकर दौड़कर अपनी जान की बाजी लेकर उनको बचाया था। और एक और वाक्य आपको याद होगा, जब पाकिस्तान की एक नौका को भारतीय सेना ने जाकर समुद्र में बचाया था। तो ऐसे जाबाज सेना के जवानों के प्रति हम ऐसी नकारात्मक विचारधारा रखते हैं, उन पर हम पत्थरबाजी करते हैं, उनके प्रति हम द्वेष की भावना को नए नए तरीके से प्रस्तुत करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, जबकि वही सेना के जवान आपातकालीन स्थिति में हमारा साथ देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं अपनी जान की बाजी देकर। ऐसी विचारधारा से परिपूर्ण है यह रचना। गद्दारी भारत में रहकर यह स्वीकार नहीं, यह एक ऐसी रचना जिसमें चेतावनी दी गई है कि यदि जो लोग भारत के अंदर रहना चाहते हैं, जो लोग भारत में रहते हैं, उन्हें भारत के नियम, सिद्धांत, संविधान का आदर करना होगा, सम्मान करना होगा, उसके नियम के विरुद्ध चलना भारत को स्वीकार्य नहीं है। ऐसी विचारधारा से परिपूर्ण यह रचना है। हत्याएं कर मन भर गया, ये भी एक प्रश्नवाचक रचना है उन लोगों के लिए जो लोग निरंतर हत्या के पक्षधर हैं, हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, हिंसा करते हैं या हिंसा करवाते हैं, उनके प्रति ये प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ मैंने इस
रचना को लिखा है कि तुम्हारा मन भर गया, कब ऐसा होगा जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, संतुष्टि हो जाएगी तुम्हें इन सभी हत्याओं को करके। विश्व किधर जा रहा, ये एक ऐसी रचना जिसमें इस विचारधारा को मैंने रखा है कि निरंतर रूप से हम विध्वंसात्मक रूप से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी को हम नकारात्मक रूप से उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो बम के रूप में या अन्य किसी माध्यम से। कब तक होगा ऐसा, हम क्यों कर रहे हैं, क्या ये मानवता के लिए घातक नहीं है, मानव समाज के लिए घातक नहीं है, मानव सभ्यता के लिए घातक नहीं है? यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? हम घातक चीज़ों को लाकर हम सामने क्यों रख रहे हैं? हम सकारात्मक रूप से इसका उपयोग क्यों नहीं करते? ऐसी विचारधारा से संबंधित यह रचना है जो आप इस पुस्तक में पढ़ेंगे। और इसके अलावा एक और रचना, गद्दारी भारत में रहकर यह स्वीकार नहीं है। विश्व किधर जा रहा है, इसके बारे में मैंने आपके समक्ष विचारधारा रखी है अपनी। और अगली है कि क्रांति हो पर कोई और करे, ऐसी विचारधारा मैंने बहुत लोगों के अंदर देखा। और ये सोच पढ़े लिखे लोग जो लोग अपने को बुद्धिजीवी कहते हैं उन लोगों में देखने को मिलती है। वो बड़ी शान के साथ, बड़े गर्व के साथ ये कहते हैं, नहीं नहीं हमें इस टॉपिक से इंटरेस्ट नहीं है। ये कह देना काफ़ी नहीं है। हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारे वातावरण में क्या हो रहा है, यदि हम उसकी जानकारी नहीं रख सकते, यदि हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, तो हमारा एक कैसा ज्ञान है, ये हमारी कैसी विद्वता है, हमारी कैसी शिक्षा है? इस प्रकार हम उससे अलग नहीं हो सकते। हमें उसके प्रति जुड़ना होगा, हमें उसके प्रति सोच समझकर अपनी विचारधारा को रखना होगा और उसको जुड़कर आगे बढ़ना होगा। लाशों की ये भट्टियां, ये एक ऐसी रचना है जिसके माध्यम से मैंने ये विचार अपने आपके सामने रखा है कि किस प्रकार हम लाशों को इकट्ठा करते जा रहे हैं, हत्याएं करते जा रहे हैं, हत्याओं को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, हिंसा को आगे बढ़ाते हुए भट्टियां लगा देते हैं, इकट्ठा करते हैं हम हत्याओं को, और फिर हम मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं, हंसते हैं, खुशियां मनाते हैं उन हत्याओं को देख देख कर, और उन भट्टियों को जलाकर हम अपना तन सेकते चले जाते हैं, हम अपना तन सेकते हैं, अपना शरीर सेकते हैं और खुशियां मनाते हैं। ऐसी विचारधारा से संबंधित ये व्यंग्यात्मक रचना है जो आप इसको पढ़ेंगे इस पुस्तक में। शवों से भी बर्बरता क्यों, अभी कुछ दिन पहले अभी दो सैनिकों को जब उन्होंने बर्बरता के साथ मारा था, उनके शरीर को क्षत विक्षत कर दिया था पाकिस्तान के सैनिकों ने, तब मैंने इस रचना को लिखा था कि तुमने ऐसी हैवानियत क्यों अपना लिया, इस मानवता को तुमने क्यों त्याग दिया। यदि ऐसा ही संदेश देना चाहते हो तो तुम मानव स्वभाव में आना बंद कर दो, दो पैरों पर चलना बंद कर दो, चार पैरों पर चलना शुरू कर दो, हैवानों के स्वभाव में हिस्सा ले लो। ऐसी विचारधारा को मैंने इसमें रखा है जो आपकी पढ़ेंगे। और अगली रचना है, कब तक हम सोते जाएंगे, कब तक हत्याएं हमारे सामने होती जाएंगी, हम मुंह खोकर के देखते रहेंगे, चुप रहेंगे, ये कब तक होगा, कब तक हम आंख मूंदे रहेंगे, कब तक चुप बैठे रहेंगे? हमें इसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया देना होगा, जगना होगा, सुप्तावस्था में को छोड़कर सकारात्मक रूप से चेतनावस्था में आकर कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। ऐसी विचारधारा से परिपूर्ण यह रचना। धैर्य की परीक्षाएं क्यों लेते हो, ये एक ऐसी रचना है जो फिर से पाकिस्तान की ओर इंगित करती हुई यह रचना कि तुम बार बार सरहद के नियम और कानूनों का उल्लंघन करते रहते हो और हमारी शांति की परीक्षाएं लेते हो। कब तक ऐसा होगा, क्यों करते हो ऐसा, कब तक करते रहोगे, कब वो दिन आएगा जब तुम इन नकारात्मक विचार को छोड़कर शांति के मार्ग पर अग्रसर होगे? इस प्रकार तुम क्यों हम भारतीयों की धैर्य की परीक्षाएं लेते हो, क्या आवश्यकता है इन परीक्षाओं की, ऐसा क्यों नहीं करते हो कि हमारे साथ तुम भी शांति के मार्ग पर अग्रसर हो जाओ? ऐसी विचारधारा से परिपूर्ण ये रचना आपके लिए मैंने लिखा है जो आप इस पुस्तक में पढ़ेंगे। बलूचिस्तान एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, पाकिस्तान के कब्जे में वो हिस्सा है, इसका सच हमारे सामने नहीं है, हमको नहीं मालूम, लेकिन इसका सच ये है कि नियम और कानून के आधार पर बलूचिस्तान को स्वतंत्र होने का पूर्ण अधिकार है।
तो इसके लिए मैंने दो रचनाएं लिखा है। पहली लिखा है कि बलूचिस्तान भारत का हिस्सा होता ये नेहरू ने। निश्चित रूप से एक समय था जब बलूचिस्तान की तरफ से ये संदेश आया था कि वो भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी उन्होंने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था, और केवल यह कहकर कि बलूचिस्तान दूर है। यदि इसके साथ कुछ और मानदंडों को उन्होंने जोड़ा होता तो निश्चित रूप से बलूचिस्तान भारत का हिस्सा होता और वह एक शांति का स्थल होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसी विचारधारा से संबंधित मैंने अपने विचार इस रचना में लिखा है। और इसकी अगली रचना जो बलूचिस्तान से संबंधित है कि बलूचिस्तान भारत के कलेजे का टुकड़ा तो नहीं है। हाँ, इसमें मैंने ये लिखा है कि कहीं ऐसा तो नहीं भारत के कलेजे का टुकड़ा हो। भारत को इसलिए बहुत तकलीफ होती है, बलूचिस्तान के लोगों को तकलीफ देखकर भारत के लोगों को बहुत दुख होता है, आंखों से आंसू बहते हैं। ऐसी विचारधारा से संबंधित विचार मैंने इसमें प्रस्तुत किया है। और इस पुस्तक की अंतिम रचना उस दिन लिखा मैंने, इसका शीर्षक है कि तुम्हारी अभिव्यक्ति में गद्दारी क्यों दिखती है। यह रचना वो है जब अभी जो लोग अपने को बुद्धिजीवी कहते हैं, जो लोग अपने को पढ़े लिखे कहते हैं, जिम्मेदार नागरिक कहते हैं, उन्होंने जनरल रावत की तुलना जनरल डायर से किया था। क्यों किया था, ऐसा क्यों करते हो? यदि तुम भारत के प्रति ऐसी नकारात्मक विचार रखना चाहते हो, रखते हो, अपनी कलम चलाते हो, भारत के प्रति दुर्भावनाएं रखकर कलम चलाते हो, तो ऐसी कलम को तोड़ दो, ऐसी कलम के टुकड़े कर दो, ऐसे साहित्य को लिखने से पहले अपनी कलम को नष्ट कर दो।